को ज्वाइन करें अदरवाइज उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी साथ ही उन्होंने अपने अलावा तीन और मंत्रियों का नाम लिया है और कहा है कि ये ये चार मंत्री बहुत जल्दी जेल जाएंगे इनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई होने वाली है लूट झूठ शूट एंड स्कूट इस पर जब कल भी कोर्ट के द्वारा एक प्रहार पड़ा है और जिस प्रकार से इनके सारे झूठ एक के बाद एक ध्वस्त हुए हैं ये कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं कोर्ट ने ना केजरीवाल जी को राहत दी ना सिसोदिया जी को राहत दी ना संजय सिंह को ना विजय नायर को ये कहते थे चवन्नी नहीं मिली इन्हीं के वकील ने माना कि चवन्नी नहीं मनी ट्रेल मिल गई गोवा में खर्च हो गया ये कहते थे कि गडकरी जी जेटली जी करप्ट है उनके सामने जाकर माफी मांगनी पड़ी ये कहते थे आठ करोड़ का ऑडियो टेप हमने जमा कर रखा है पार्टी तोड़ने की साजिश की जा रही है हमारे पास ऑडियो टेप है हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे डेढ़ साल से अधिक हो गया अभी तक वो ऑडियो टेप आया नहीं ये कहते थे कि हम गुजरात के चुनाव जीतने वाले हैं आईबी की रिपोर्ट आ चुकी है ये कहते थे फलाना गिरफ्तार होगा ढिमकाना गिरफ्तार होगा कोई बात सच साबित नहीं हुई अगर राजनीति में सबसे छोटे अवधि में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का अगर किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो इस पार्टी का है और सवाल ये पैदा होता है कि जिस प्रकार से कोर्ट राहत नहीं दे रहा तो क्या कोर्ट विद्वेश की भावना से काम कर रहा है क्या कोर्ट ने ऑफर दिया है क्या आपको क्योंकि कोर्ट बेल नहीं देता है या कोर्ट राहत नहीं देता है तो कोर्ट तो बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करता ना क्या उनका तर्क यह है कि कोर्ट जो है भाजपा के इशारे पे काम करते हुए सभी लोगों को जेल में रख रहा है तो मुझे लगता है कि आज जो आरोप लगा रहे हैं ये हम पर नहीं ये एजेंसी पर नहीं ये सीधे सीधे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की जरूरत कर रहे हैं और कोर्ट पर ये आदेश के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट चाहती है कि उनके ऊपर विद्वेश कार्रवाई हो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बचकाने और अपरिपक्व बयान केवल एक ही पार्टी दे सकती है आम आदमी पार्टी जो जानती है कि शराब घोटाले में वो पूर्ण तरीके से लिप्त है और जो बाकी के नाम आतिशी ने लिए है ये तो फ्रस्ट्रेशन का एक पूरा का पूरा प्रमाण है भाई देखिए ना कि केजरीवाल जी ने अपने आप को बचाने के लिए पहले मंत्रियों का नाम ले लिया फिर उसके बाद कैलाश गहलोत जी ने आतिशी जी का नाम ले लिया आतिशी जी ने आज और कुछ लोगों का नाम ले लिया तो किस प्रकार से अपने दोषों को किसी और के सिर पे मरा जाए और अपने आप को बचाया जाए और उनकी बलि दी जाए आम आदमी पार्टी का तो लंबा चरित्र है इस पे अन्ना से लेकर बाकी नेताओं को जैसे उन्होंने किनारा किया है तो वो अपने चरित्र के हिसाब से ही पेश आ रहे सवाल मूल केवल इतना ही है कि सरकार जेल से चलेगी आप तो कहते थे एक्यूजेशन लगने पर इस्तीफा दो और आज आप सरकार जेल से चलाना चाहते हो इसका जवाब नहीं है पार्टी लीडर आकेशी क्लेम दैट बीजेपी अप्रोच हर टू ज्वाइन बीजेपी ईडी विल अरेस्ट फोर मिनिस्टर वेरी सोन

if they have all the evidence in their command why don't the courts give them relief more importantly today this is the same party which said few months ago 800 crore rupees have been kept by BJP. They are breaking our party. We have audio tape. We are going to disclose it. Where is that audio tape? This party lied about JTG, Gadkari Ji, had to apologize. This party said IB report has come. We are winning Gujarat elections. This party has said Kattar Imandar for those who have not got relief from court. This party said Chavanni Nahimili. Their own lawyer has said that money trail is there. It has been spent in Goa elections. This party has the track record of making the most number of lies and the most number of untruthful full statements in the shortest period of time and doing U-turn on everything. And therefore their credibility is less than the credibility of goods brought from China. So therefore the question today is why is ji saying this? It is because

they have right from anna hazari to other leaders always use this tactic to push people under the bus they are only following that because they know that they are involved in the Sharab ghotala the question today is only one you used to say on accusation there must be resignation today you are saying even though there is concrete proof and evidence i will not join interrogation but i will continue in chief minister's position from jail today you have transformed so much answer about that question